हमारी 9-9 खाना कर रही है अभी अपनी स्टडी। देख सकते हैं गाइस, मैं स्टडी कर रही हूं। मैं जा रही हूं मार्केट, बाइक का पेट्रोल खत्म। भैया सुपरमैन का रोल निभाते हुए वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वेलकम टू जिंदगी ए सफ़र। एंड अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 10:25 एंड मुझे आपको कुछ दिखाना है कि हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है अभी। सो हियर वी गो। ओके गाइस, तो अब हमारी नहाई नहाई हो चुकी है, अहाना भी नहा चुकी है, मामा भी नहा चुकी है, हम लोग रेडी हो चुके हैं। और अहाना कर रही है अभी अपनी स्टडी, उसका स्टडी टाइम चल रहा है। कुछ काफ़ी पेंडिंग वर्क था उसका, वो कंप्लीट कर रही है उसको। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अहाना को, आप देख सकते हैं गाइस मैं स्टडी कर रही हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं बस बैठ के अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी एंड उसमें मैंने एक न्यूज़ देखी जो कि दीपेश भान के बारे में थी, जो भाभी जी घर पर हैं के एक एक्टर हैं थे, और उनकी डेथ अभी 23 जुलाई को उनकी डेथ हुई। एंड सो आई देयर इज़ अ थॉट जो मेरे माइंड में आया कि यू नो, एंड ये भी सुनने में आया कि वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे एंड अपनी वर्कआउट कभी मिस नहीं करते थे। एंड जब वो अभी अपने प्ले एरिया में क्रिकेट खेल रहे थे तब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। सो इससे कई बार फील होता है, ऐसे आई थॉट कि क्यों ना एक ज़िंदगी एक सफ़र में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी क्या एक सफ़र है, इट्स लाइक अ ट्रेन जर्नी, राइट। इस ट्रेन जर्नी में क्या होता है, जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं, राइट। तो वैसे ही हमारी लाइफ भी एक ट्रेन जर्नी की तरह है कि हमें कई लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं, जब उनका टाइम पूरा हो जाता है तो वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं, फिर हम नए लोगों को मिलते हैं। एंड आई रियली फील सैड फॉर द फैमिली एज़ वेल, उनका छोटा सा 4 साल का बच्चा है। एंड इंसान तो चला जाता है बट यू नो मेमोरीज़ और जो फैमिली पीछे रहती है उनके लिए एक बहुत ही हार्ड टाइम होता है इस टाइम, उस सिचुएशन से जिस इंसान के साथ आप इतने टाइम से रह रहे हो, आदत सी बन जाती है, राइट। किसी भी हैबिट को आप कहते हैं ना 21 डेज तक कंटिन्यूसली कोई भी हैबिट आप अडॉप्ट करो वो फिर आपकी आदत बन जाती है। तो हम वो तो फिर भी इंसान थे, तो फैमिली के लिए भी मुझे काफ़ी बुरा फील हो रहा है। एंड जस्ट की लाइफ को अगर हम एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम नो वी गेट सो मच स्ट्रेस्ड आउट, कई सिचुएशंस आती हैं, हम बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, हम मेरे साथ भी होता है कि एट टाइम्स आई गेट रियली स्ट्रेस्ड, आई गेट रियली टेंस्ड। बट फिर एक बॉडी ही अपने आप एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करती है, अपने आप को ही अपनी जो अनकॉन्शियस लेवल होता है वो समझाता है कि यू नो नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। खुशी है तो वो भी परमानेंट नहीं है, दुख है तो वो भी परमानेंट नहीं है। एक सॉन्ग है पुराना, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सो इट्स एग्जैक्टली अगर आप ज़िंदगी को देखा जाए तो कल का किसी को भी नहीं पता कि हमारी लाइफ में कल कब क्या हो जाए, राइट। तो क्यों ना हम इसी टाइम को अच्छे से जी लें, अच्छे से हर मोमेंट को, एवरी मोमेंट को हम बेस्ट की तरह इन्जॉय करें, राइट। सो दैट्स इट, मेरे माइंड में इतना ही थॉट आया, आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। एंड अभी थोड़ी देर में हम लोग जा रहे हैं, 15 अगस्त है परसों, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है थोड़ा। आना के स्कूल में भी फंक्शन होगा तो उसको भी कुछ बनाना है, उसको कुछ डायलॉग्स लर्न करवा रही हूँ इतने टाइम से। तो अभी है कि अभी हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में मार्केट थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, उसके लिए काफ़ी जो भी एक्सेसरीज लेने के लिए, जो भी ड्रेस वो पहनेगी तो उसके लिए डिसाइड करने की क्या पहनना है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपको मार्केट में। सो गाइस आई एम ऑल सेट, अब मैं जा रही हूँ मार्केट थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, देखते हैं क्या क्या मिल पाता है आज, क्योंकि कल संडे है तो कल आई थिंक ज़्यादातर शॉप देहरादून में बंद रहती हैं। तो स्टे ट्यून्ड, ये चलते हैं आपको देहरादून के मार्केट की तरफ। और हम जा रहे हैं अपने भाई के साथ बाइक में, क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे बाइक बैक कर रहा है एंड ही इज़ ऑल रेडी, ही इज़ ऑल सेट, चश्मा चश्मा भी लगा लिया है, व्लॉग में आने की तैयारी चल रही है। एक राय आपको देना चाहूँगी, जब भी बहुत धूप होती है और आप बाइक या स्कूटी किसी चीज़ में बैठते हो तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ नीचे कुछ बिछाएं और तब आप बैठें, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है और हमें बहुत चीज़ें महसूस हो रही हैं। तो आप भी प्लीज़ कुछ बिछाएं और तभी बैठें बाइक में,
या स्कूटी में। ओके गाइस, सब निकल चुके हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मार्केट एंड हम आए हैं आज घंटाघर। तो जब भी आप स्कूटी से आए तो आप घंटाघर से अंदर को हो जाए, यहाँ बैरियर लगा हुआ है, तो वहाँ से आप अंदर होंगे राइट साइड से, तो वहीं से सारी स्कूटीज अलाउड है अंदर आना, और वहाँ से हम राइट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पुलिस भी है, आज काफ़ी रश है पल्टन बाज़ार में। तो यहाँ से हमने एंट्री कर ली है पल्टन बाज़ार के लिए, और आप देख सकते हैं हम अंदर जा रहे हैं। ये हम पहुँच चुके हैं गाइस मच्छी बाज़ार। आपको जब भी आप पल्टन आओ, आप किसी से पूछो मच्छी बाज़ार किधर है। हम आ गए हैं पल्टन में एंड हमें जाना है देवकी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर बच्चों की रेंट के लिए टायर्स मिलते हैं और ड्रेसेस, जो भी आपको रेंट के लिए चाहिए। कोई स्कूल में फंक्शन है तो बच्चे को पहनाना है, उसके लिए आपको जो भी चाहिए, आपको मच्छी बाज़ार से स्ट्रेट जाना है और वहाँ आपको राइट में देवकी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो देवकी कॉम्प्लेक्स में आपको हर टाइप की ड्रेसेस मिलेगी। ये आ गया है हमारा कॉम्प्लेक्स। बना दोगे? So हमने साई ड्रेस एम्पोरियम से ले लिया है, अब वो सरप्राइज रहेगा कि मैं आहाना को क्या बनाती हूँ। आज पल्टन में बहुत ट्रैफिक था एंड जगह जगह पे पुलिस की लगी हुई थी, तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिला वहाँ पर और ब्लॉगिंग करने का। हमने फटाफट ड्रेस ली और हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। मौसम भी चेंज हो रहा है, ऐसा लगता है बारिश भी आ रही है। गाइस, हम लोग वापसी कर रहे थे एंड हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं भाई, मेरा बाइक को पैदल पैदल वॉक कराने लेके जा रहा है। अचानक से हम लोग यहाँ दूर दूर तक कोई पेट्रोल पम्प भी नहीं है, और हम लोग बड़े आराम से जा रहे थे घर और देखा तो बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है शायद। गाइस, हम लोग अभी हैं आरागर चौक में और यहाँ ये अंकल हमें बता रहे हैं कि हमें पेट्रोल कहाँ मिलेगा। अंकल बता रहे हैं कि दूर दूर तक यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, या तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा अंकल? रेस कोर्स। या तो हमें रेस कोर्स जाना पड़ेगा। गाइस, हमें व्लॉगिंग देखते हुए एक भैया हमें मिले हैं यहाँ पर। ये भैया हैं यहाँ पर। भैया, आपका नाम? शोएब राणा। शोएब भैया हैं, हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। ये मेरे भाई को लेके जा रहे हैं अपने साथ, और ये कह रहे हैं मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपको पेट्रोल पंप तक पहुँचा देता हूँ। सो लाइफ इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट। कैसे बैठूँ? अरे नहीं नहीं भाई, उसको ट्रेंड लगने का। स्टार्ट कैसे होगी? स्टार्ट ट्रेंड लगने का। तू कहाँ से, तू कहाँ जा रहा है? मैं पेट्रोल भरा जा रहा हूँ। तू कैसे भरा रहे बंद बाइक में? अरे वो टो का सिस्टम होता है हमारा। कैसे तो हो रही है? गाइस भी कह रहे हैं कि गाड़ी को टो कर रहे हैं, टो करने का तो मुझे दूर दूर का कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। बेचारा सीटें मारते हुए बाइक को आगे ले जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारी बाइक चला रहे हैं भैया। सुपरमैन तो मेरा भाई लग रहा है, पर रोल भैया निभा रहे हैं। बाइक खत्म का पेट्रोल खत्म, भैया टो करते हुए हमारी बाइक को लेके जा रहे हैं आगे। ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों। इससे दिखता है, पता लगता है कि आजकल भी लोगों के दिलों में इंसानियत है। इंसानियत ख़त्म नहीं हुई अभी भी दोस्तों। आप देख सकते हो कैसे हमारी बाइक को आगे लेके जाया जा रहा है। हर एक मोमेंट आपको कैप्चर करके दिखा रहे हैं जिंदगी एक सफ़र में। ये भी जिंदगी का एक पार्ट है दोस्तों। और मुझे एक गाना याद आ रहा है, जिंदगी एक सफर आपके चरणों का कमाल। थोड़ा थोड़ा बाइक स्टार्ट भी हो रही है दोस्तों। देखिए यहाँ पुलिस मैन खड़े हो रखे हैं। जय हिंद। देखिए अभी भी भैया ने हिम्मत नहीं हारी है। तो देखिए मुझे गाना याद आ रहा है जय वीरू का। कौन सा भाभी हो जय वीरू का गाना है? शोले, शोले मूवी का। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ भी पैर छोड़ गया आपका। छोड़ेंगे हम मगर
तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये है आपका फुहारा चौक, टो करके ले जा रहे हैं हमारी बाइक को। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा ऐसा। और देखिए ये भैया जोर देते हुए हम भैया रुक, ये भैया की तरफ कोशिश करते हुए हम भी टगड़ी मिस हो गई है। यहाँ पर ये भी राय कह रहे हो हाँ भैया आ गया, थैंक यू। ये गाइस पेट्रोल पंप आ चुका है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, देखिए आपको हम दिखाते हैं। ये हमारी बाइक पेट्रोल पंप के अंदर टेंटर है। और ये हमारे भैया हैं जिनका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। भैया थैंक यू सो मच, आप जैसे लोग यहाँ पर हैं। ये आरा घर से रुको भैया, आरा घर से यहाँ तक हमारी गाड़ी को टो करके लाए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम है शोएब राणा है भैया का नाम। जा रहे हैं अपने घर की ओर, हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है गाइस। हाय गाइस, अभी हो रहे हैं इवनिंग के 5:30। हम लोग आफ्टरनून से ही मार्केट से वापस आ गए थे एंड ऑल दो हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट काफ़ी हेक्टिक डे रहा क्योंकि हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया था जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी है मार्केट को लेके। फ्रेंड्स, जब भी आप पल्टन बाज़ार, क्योंकि वो बहुत क्राउडेड मार्केट है देहरादून का, जब भी आप पल्टन जाएं तो मेक श्योर आप सैटरडे संडे को विज़िट ना करें वीकेंड्स में, क्योंकि वहाँ बहुत क्राउडेड रहता है वीकेंड्स में। एंड क्योंकि सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टी रहती है तो काफ़ी पेरेंट्स विजिट करते हैं इवन इन द आफ्टरनून, एंड इवनिंग में तो पैर रखने की जगह नहीं होती वहाँ पर, राइट। सेकेंड, जब भी आपको बच्चों के लिए कुछ ड्रेस लेना हो, कुछ ड्रेस स्कूल के फंक्शन के लिए रेंट पे लेना हो, तो आप हमेशा मच्छी बाज़ार से राइट हो जाइए, स्ट्रेट आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा देवकी कॉम्प्लेक्स, वहाँ आपको सारी रेंटेड अटायर्स मिलेंगे। मैं साई ड्रेस एम्पोरियम में गई थी, मैंने वहाँ पर उनको टोटल 600 पे करा, ड्रेस मेरी रेंट का चार्ज था 400 रुपीज़, वेर एज 200 रुपीज़, 200 रुपये उन्होंने मुझसे सिक्योरिटी लिया, जो कि उन्होंने जितने भी अटायर्स मुझे टोटल दिए हैं ड्रेस और एक्सेसरीज़ मिला के वो 8 हैं। अगर मैं 8 का 8 उन्हें वापस करूँगी ऑन 15th of August, तो वो लोग मुझे जितना मनी मेरा 200 है सिक्योरिटी वो रिफ़ंड कर देंगे। अगर उसमें से कुछ भी लॉस होता है जो आइटम उन्होंने मुझे दिए हैं तो वो मनी में से कुछ डिडक्ट करेंगे। तो 200 रुपये वो सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखते ही रखते हैं, राइट। तो जब भी आप वहाँ पर जाओ तो उनके चार्जेस जो होते हैं वो 350 से 400 होते हैं रेंट के, राइट। वो ड्रेस टू ड्रेस डिफ़र करता है कि आप कौन सी वाली ड्रेस लेके जा रहे हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा आज का व्लॉग 15th August की तैयारी। एंड अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोज़ एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।